Assalamu alaikum. Let's see another numerical from chapter number 2. This is numerical number 3. In the previous video, we discussed two numericals from chapter number 2 about energy and work analysis. Now, let's see another numerical. It says that a 60 watt fan of a central heating system is to circulate air through the ducts. हमारे पास एक 60 वॉट का फैन है जो एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में एयर को सर्कुलेट करता है. द एनालिसिस ऑफ द फ्लो शोज दैट द फैन नीड्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एयर बाय 50 पास्कल्स टू मेंटेन द फ्लो. अच्छा, एनालिसिस से हमें ये बात साबित मालूम हुई है कि जो फैन है वो एयर का प्रेशर जो सर्कुलेट कर रहा है सिस्टम के अंदर उसको 50 पास्कल्स मेंटेन करना पड़ता है उसका डिफरेंस, ताकि फ्लो जो है वो सर्कुलेट होता रहे. 50 पास्कल जो है वो एयर का प्रेशर डिफरेंस है ताकि एयर सही से सर्कुलेट हो सके. द फैन इज़ लोकेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल फ्लो सेक्शन हुज डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर्स एट बोथ द इनलेट एंड आउटलेट. जो फैन है वो एक फ्लो सेक्शन के अंदर इंस्टॉल्ड है जिसका इनर एंड आउटर डायमीटर जो है इनलेट एंड आउटलेट पर 30 सेंटीमीटर है. डिटरमाइन द हाईएस्ट पॉसिबल एवरेज फ्लो वेलोसिटी इन द डक्ट. मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है. ओके, तो इस सवाल में हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं पहले उसको देख लेते हैं. हमारे पास एक फ़ैन है जिसकी हमें वोल्टेज दी हुई है कि फ़ैन कितना वर्क कर रहा है. हमारे पास ये पता है कि एयर में कितना प्रेशर डेल्टा पी हमें चाहिए, और हमें ये पता है कि जो डक्ट है उसका डायमीटर इनलेट आउटलेट डायमीटर कितना है, और निकालना हमें क्या है फ्लो वेलोसिटी. तो सवाल को हम समझते हैं, आगे सॉल्व करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले हम देखते हैं कि आपके पास ये डक्ट है, इस डक्ट में ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये फ़ैन इंस्टॉल्ड है, और जो डेल्टा पी है वो 50 पास्कल. डेल्टा मतलब फ़ैन जो है, याद रखिएगा कि फ़ैन जो है एयर को प्रेशराइज करता है. फ़ैन जो है वो एयर को डेल्टा पी उसको एनर्जी डेल्टा पी प्रेशराइज कर रहा है. हम अगर एनर्जी बैलेंस लगाते हैं तो उसका सिंपल रिलेशन है कि ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट बराबर है डेल्टा ई सिस्टम अपॉन डेल्टा टी. अब जब स्टेडी स्टेट सिस्टम है तो हमारे पास ये राइट हैंड टर्म जो है वो जीरो जाएगी. हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट. अब इस इक्वेशन को हम देख लेते हैं. तो पहली बात कि इस इक्वेशन के अंदर वन कौन सा है. पहला जो है वो 0.1 जो एयर है जिसमें जो कि किसी फ्लो के साथ आ रही है. सो दिस इज द एनर्जी इक्वेशन विच वी कैन सी हियर इज ई इन माइनस इक्वल्स टू ई इन ई डॉट आउट. दिस इज एक्चुअली इन द पावर फॉर्म. तो आप ये देख सकते हैं कि अगर इस डक्ट के अंदर आपके पास 0.1 पर वर्क डन जो है फैन उसके ऊपर कर रहा है, फिर उसका एम डॉट है जो कि मास फ्लो रेट है, और पी वी दिस इज अ मैकेनिकल वर्क डन. इफ यू रिमेंबर हमने बात क्लास में डिस्कस की थी, हमने क्लास में डिस्कस की थी सो वी हैव हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी बैलेंस है ई इन डॉट इक्वल्स टू ई ई आउट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क है ना वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फैन वर्क आ रहा है, और हमारे पास जो मैकेनिकल वर्क इनपुट है वो पी वी होता है आपको फिर रिमेंबर. तो एम डॉट जो है मास फ्लो रेट है, पी जो है प्रेशर है, वी जो है वो वी ये पूरी फर्स्ट टर्म जो है वो इनिशियल पोजिशन पर है बराबर है एम डॉट पी वी टू के. अब आप गौर करो कि यहाँ पे अगर हम इसको राइट साइड पर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है एम डॉट पी टू माइनस पी वन इंटू वी, जबकि इसमें ये टर्म है वी मतलब ये बेसिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम है. पी टू माइनस पी वन मान लिया डेल्टा पी जो हमारे पास 50 पास्कल गिवन है, और इस यहाँ से हमारे पास वी डॉट निकल गया अगर हम वी डॉट को वी और एम डॉट को मल्टीप्लाई करते हैं. सिमिलरली अगर हम इग्नोर करते हैं तमाम आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के लॉसेस जो कि यहाँ पे नहीं हो रहे, बहुत कम वेलोसिटी है, और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी जीरो बिकॉज हाइट सिमिलर है, तो यहाँ पे हम इस रिलेशन से हम वी डॉट निकाल सकते हैं. वी डॉट बेसिकली आपके पास क्या आया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो कि 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बेसिकली किसके बराबर होता है वेलोसिटी टाइम्स एरिया के. तो यहाँ से हमारे पास वी मैक्स आ गया, डिवाइड किया हमने उसको ए सी के साथ जो कि हमारे पास कहाँ से निकला, जो डक्ट का डायमीटर था 30 सेंटीमीटर वहाँ से हमारे पास एरिया आ गया, एंड फ्रॉम देयर वी कैलकुलेटेड द मैक्सिमम वेलोसिटी. सो आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया. आपको कुछ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द क्लास, और वी कैन डिस्कस इट लेटर इंशाल्लाह. मूविंग फर्दर हमारे पास एक और सवाल है. वी हैव अ इलेक्ट्रिक पावर इज टू बी जनरेटेड बाय इंस्टॉलिंग अ हाइड्रोलिक टर्बाइन जनरेटर एट अ साइट 70 मीटर्स बिलो द
free surface of a large water reservoir that can supply water at a rate of 1500 kilogram per second steadily. We have a hydraulic turbine generator जो कि 70 मीटर हाइट पर नीचे हाई इंस्टॉल हुआ है, ऊपर से पानी जो है वो ऊपर हिट कर रहा है और टर्बाइन चल रही है, इसका जनरेट कर रहा है कुछ वो इलेक्ट्रिसिटी. जो फ्लो रेट है वो है 1500 किलोग्राम पर सेकेंड. इफ़ द मैकेनिकल पावर आउटपुट ऑफ टर्बाइन, अगर टर्बाइन का मैकेनिकल आउटपुट 800 किलोवाट है और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है वो 750 किलोवाट की है, ये कम क्यों है? बिकॉज टर्बाइन में कुछ लॉसेज होंगे और जनरेटर जो है वो थोड़ी सी कम पावर जनरेट करेगा बिकॉज इट्स नॉट 100% एफिशिएंट. डिटरमाइन द टर्बाइन एफिशिएंसी एंड द कंबाइंड टर्बाइन जनरेटर एफिशिएंसी ऑफ दिस प्लांट, निगलेक्ट द लॉसेज इन द पाइप. तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है, कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है, जिसके लिए हमारे पास 750 किलोवाट की पावर आउटपुट गिवन है और हमारे पास टर्बाइन की एफिशिएंसी निकालनी है जिसके लिए 800 किलोवाट गिवन है. नाउ द थिंग इज दैट हमारे पास हमें ये निकालना है कि हमारे पास कितनी एनर्जी इनपुट हो रही है. उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास कुछ रिजर्वायर की हाइट है जिसकी वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी, उसको हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पर यूनिट मास. तो 9.81 GZ, यहाँ पे M क्यों नहीं आया? बिकॉज हम उसको पर यूनिट मास निकाल रहे हैं सॉरी. और यहाँ पे हाइट जो है वो 70 meters है. इन टर्म्स ऑफ किलो जूल हम निकालते, ये इन टर्म्स ऑफ जूल आएगा तो हम उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया डिवाइड बाई 1000 करके. नाउ अब हम अगर इस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं m डॉट से तो हमारे पास क्या आएगी? पावर आ जाएगी. इफ़ यू रिमेंबर मैंने ये बात डिस्कस की थी क्लास के अंदर कि m डॉट जो है वो किलोग्राम पर सेकंड होता है और हमारे पास ये किलो जूल पर kg है, तो kg से kg कैंसिल होगा और किलो जूल पर सेकंड गिव्स यू द पावर. तो ये वो पावर है जो बेसिकली हमें इनपुट मिल रहा है फ्रॉम द रिजर्वायर. अब हमारे पास हमें निकालनी है एफिशिएंसी. तो इलेक्ट्रिक टर्बाइन जनरेटर जो कंबाइन दे रहा है वो 750 किलोवाट दे रहा है और जो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है हमें, जो फ्लूड हमें दे रहा है वो बेसिकली कितनी है? 1031. तो आउटपुट नीचे आता है इनपुट ऊपर आता है, सॉरी आउटपुट ऊपर आता है इनपुट नीचे आता है, तो द इनपुट शुड बी ग्रेटर देन द आउटपुट. तो हमारे पास 72.7% है. टर्बाइन का चेक लेते हैं. हमारे पास टर्बाइन का आउटपुट जो है वो 800 किलोवाट है और उसका जो इनपुट है वो हमारे पास वही सेम एनर्जी जो वाटर सप्लाई कर रहा है, दैट इज 1031 किलोवाट. Is coming out to be 77.6%. This efficiency cannot be greater than 100%. Otherwise, ये सवाल गलत हो जाएगा. अदरवाइज आपने कोई गलती की होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर के मुकाबले में. Another numerical from the same top same chapter. An oil pump is drawing 35 kilowatt of electric power. Now we have a pump जो कि 35 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर ले रहा है. देखिए पंप चलता है इलेक्ट्रिक बिजली से, ठीक है, और पंप फिर पानी के ऊपर कुछ काम करता है, वर्क करता है. तो विच मीन्स के पंप का इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है या इलेक्ट्रिक पावर है और पंप का जो आउटपुट होता है वो बेसिकली वो एनर्जी होती है जो वो वाटर को या किसी भी फ्लूइड को सप्लाई कर रहा है. नाउ द पंप इज ड्रॉइंग 35 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाइल पम्पिंग ऑयल. ऑयल चल रहा है उस पंप के अंदर, वो पंप ऑयल को पंप कर रहा है और ऑयल की डेंसिटी जो है वो 860 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है एट अ रेट ऑफ 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड. उसका फ्लो रेट गिवन है कि 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वो रेट से पंप कर रहा है. द इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर ऑफ द पंप पाइप्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. हमारे पास इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर गिवन है. इफ़ द प्रेशर राइज ऑफ द पंप इज मेजर टू बी 400 पास्कल्स. अगर पंप जो है वो 400 किलो पास्कल्स का प्रेशर राइज दे रहा है एंड द मोटर एफिशिएंसी इज 90%, डिटरमाइन द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द पंप. अगर मोटर की एफिशिएंसी जो है वो 90% है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी पंप की कितनी होगी? तो हम इसको बात देख लेते हैं. हमारे पास एक पंप है, मोटर से कुछ वो इलेक्ट्रिक पावर ले रहा है, पंप जो है वो ऑयल को पंप कर रहा है, इनलेट एंड आउटलेट आपके पास डायमीटर गिवन है और जो पंप है वो वाटर को 400 किलो पास्कल प्रेशराइज कर रहा है. हमें निकालना है इस पंप की एफिशिएंसी. सही है, आगे चलते हैं. नेट चेक सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मैकेनिकल पावर होती है वो किसके बराबर होती है. हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैकेनिकल फ्लो एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. इफ़ यू रिमेंबर हमें पढ़ा था रिलेशन, फ्लो एनर्जी पी वी होती है और पोटेंशियल एनर्जी जी एच है और वी स्क्वायर अपॉन टू जो है काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट मास. तो अगर मैं इनलेट एंड आउटलेट की बात करता हूँ तो मेरे पास इनलेट आउटलेट के ऊपर वी एम डॉट पी वी टू माइनस पी वी वन लिख रहे हैं और प्लस वी टू स्क्वायर अपॉइंट टू एंड माइनस वी वन स्क्वायर अपॉइंट टू. ये वो रिलेशन जो हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था. अच्छा, यहाँ ख़ास बात यह है कि हमने यहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी को क्यों नहीं लिखा, बिकॉज पंप की जो हाइट्स हैं वो ऑलमोस्ट नेगलिजिबल, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को। अच्छा, यहाँ पे एम डॉट को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें वॉल्यूम फ्लो रेट के अंदर, तो वॉल्यूम फ्लो रेट टाइम्स रो बेसिकली एम डॉट होता है। तो मैं डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको रो के साथ, तो आपके पास ये जो स्मॉल वी है ये बेसिकली क्या बन जाएगा आपके पास, रो, राइट। तो आपके पास इस इक्वेशन में चेंज कर दिया आपने इन टर्म्स ऑफ वी, वी डॉट ले आया आप, ठीक है। आपने यहाँ से रो के साथ डिवाइड किया तो आपके पास वी, ये स्मॉल वी जो है वन अपॉन रो होता है बेसिकली, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से थोड़ा सा आपने इसको राइट लेफ्ट जो है वो थोड़ा सा अरेंज किया, तो हमारे पास एक रिलेशन बन गया कि डेल्टा ई जो कि मैकेनिकल फ्लूड पावर है जो कि पंप फ्लूड को दे रहा है, उसका रिलेशन ये चीज़ है, ठीक है। नाउ हम देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, इनलेट वेलोसिटी। हमारे पास इनलेट वेलोसिटी कैसे आएगी, वी वन इक्वल्स टू वी डॉट जो आपके पास 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और अपॉन एरिया, एरिया जो है इनलेट एरिया आपके पास कैसे निकलेगा, पाई डी वन स्क्वायर अपॉन फोर। डी वन आपके पास 0.8 मीटर है या 80 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से आपके पास इनलेट वेलोसिटी आ गई, ये यहाँ पे इस्तेमाल होगी वी वन की जगह पर। सिमिलरली वी टू के लिए क्या आपके पास वी नॉट, वी डॉट जो कि वॉल्यूम फ्लो रेट है डिवाइड बाई ए टू, ए टू इज़ डिफरेंट, इट इज़ 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपके पास आउटलेट वेलोसिटी आ गई, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, अगर आप इन तमाम रिलेशंस को उठा के यहाँ पुट करते हैं तो व्हाट यू गेट, यू गेट द टोटल पंप पावर, ठीक है, 26.3 किलोवाट। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये कैसे निकल निकाला, हमारे पास वी डॉट पता था 0.1, हमारे पास पी टू कितना था 400, इस पी टू माइनस पी वन का पूरा रिलेशन जो है वो 400 समथिंग था, प्लस डेंसिटी आपके पास 860 थी, और वी टू आपके पास यहाँ से निकल के आया और वी वन यहाँ से निकल के, यहाँ से सॉल्व करके आपके पास क्या आया। अच्छा, ये जो पावर आई है आपके पास, ये वो पावर है जो पंप ने पानी के ऊपर की है। नाउ अब हम ये देखते हैं कि पंप ने, पंप की जो अपनी पावर है जो शाफ्ट पावर है, देखिए पंप कुछ इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर रहा है, बट वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी की सारी पंप के शाफ्ट में इस्तेमाल नहीं हो रही, ठीक है। तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो 35 किलोवाट थी, इसको मल्टीप्लाई किया आपने मोटर की एफिशिएंसी के साथ, तो जो है 31.5 किलोवाट है। ये देखें, यूँ समझ लें कि आपके पास मोटर से जो इलेक्ट्रिसिटी पंप में जा रही है वो 35 थी, बट पंप जो कन्वर्ट कर रहा है शाफ्ट में, शाफ्ट वर्क के अंदर, वो 31.5 है, बिकॉज ये एफिशिएंसी है उसकी। नाउ अब जो पंप की शाफ्ट पर शाफ्ट पावर है वो 31.5 है, बट जो उसमें कुछ लॉसेज होंगे पंप के अंदर, तो जो लॉसेज पंप के अंदर है और फिर पानी को जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो बेसिकली कितना है, वो 26.3 जो आपने यहाँ से निकाली है। तो बाई डिवाइडिंग दैम यू गेट 83.6%। दिस इज़ अ पंप एफिशिएंसी विच इज़ फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द पंप पावर आउटपुट एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पंप, ठीक है।